हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य द्वारा बनाए गए कुछ अजीबोगरीब जानवर की, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा ये सब किसी और ग्रह से आए हैं। इनमें से पहले नंबर पे है बेल्जियम ब्लू काऊ, जो एक सुपर काऊ है जिसमें 40% ज्यादा मसल्स हैं एक आम गाय से, और इसका दूध की क्वालिटी बड़ी ही अच्छी है जिसमें और गाय से ज्यादा प्रोटीन है। इस गाय को क्रॉस ब्रीडिंग करके स्पेशली गो मांस के लिए बनाया गया है। जब इस गाय का बच्चा या बछड़ा पैदा होता है उसका वजन एक नॉर्मल बछड़े की तुलना में 2 गुना होता है। इस गाय को इंग्लैंड की शॉर्ट हॉर्न और फ्रांस की क्रोलेसिस गाय की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। इसका वजन 1250 किलो तक होता है। इस नस्ल की गाय भोजन को वसा में न बदलकर उसे मांसपेशियों में बदलती है, जिसकी वजह से यह मोटी न लगकर तंदुरुस्त लगती है, जिसे हम सुपर काऊ कहते हैं। यह सब एक म्यूटेशन की वजह से है जिसे हम डबल मसलिंग कहते हैं, जिसमें एक ऐसे जीन्स की कमी हो जाती है जो हमारे प्रोटीन की मात्रा को रेगुलेट करता है। पर दोस्तों, वजन ज़्यादा होने के कारण इनमें शारीरिक बीमारियाँ कुछ ज़्यादा ही होती है। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर बच्चे के जन्म के लिए सी सेक्शन सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे हैं ग्लोइंग एनिमल्स। दोस्तों, कुछ जीवों में रासायनिक रूप से प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को हम बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, जिससे ये प्राणी अंधेरे में चमकते हैं, जैसे जुगनू, जेलीफिश और कुकीज स्टार। पर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने विभिन्न जानवरों जैसे कैट्स, पिग, शीप, फिश एंड काऊ को कुछ अनुवांशिक परिवर्तन करके उन्हें चमकदार बनाया है। उन्होंने कुछ जेलीफिश के जीन्स इन जानवरों के जीन्स में मिला के इन्हें ग्लोइंग एनिमल बना दिया है। इस तकनीक का प्रयोग करके वैज्ञानिक मनुष्य में होने वाली बीमारियों का अध्ययन करना चाहते थे। और तीसरे नंबर पे है काइमेरा। यह एक एकल जीव है जो अलग अलग जीनोटाइप वाली कोशिकाओं से बना होता है, या आप कह सकते हैं जिन लोगों के DNA में 2 अलग अलग सेट होते हैं उन्हें मानव काइमेरा कहते हैं। काइमेरा शब्द ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक आग उगलने वाला देवता, जो आधा शेर होता है, आधा बकरी होता है और आधा ड्रैगन होता है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ह्यूमन और एनिमल्स के भ्रूण मिक्स करके लगभग 150 हाइब्रिड तैयार किए थे, पर इस इंफॉर्मेशन के लीक होने के बाद इस वैज्ञानिक टीम का फंड रोक दिया गया। इस वैज्ञानिक टीम का कहना था ये एक्सपेरिमेंट मनुष्य में होने वाली बीमारियों के अध्ययन के लिए किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट गुप्त ही रखा गया। और चौथे नंबर पे है सुपर माइस। दोस्तों, विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग चूहों पे किए जाते हैं। इन्हीं प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने कुछ सुपर माइस तैयार किए, जिनमें कुछ सुपर एबिलिटी थी, जैसे ये चूहे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकते थे। ये चूहे रात के अंधेरे में भी देख सकते थे। इनकी मसल्स पावर और स्ट्रेंथ ज्यादा थी। यह प्रयोग इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल डी लॉसेन के वैज्ञानिकों ने सल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी स्टडी के साथ मिलकर किया था। ये चूहे इंसानों में होने वाली बीमारियों को समझने और दवा बनाने के लिए बनाए गए थे। और पांचवें नंबर पे हैं काऊ पीपल हाइब्रिड। UK के वैज्ञानिकों ने मानव गाय के हाइब्रिड के भ्रूण का निर्माण किया। उन्होंने एक मानव पशु शंकर गाय का एक बड़ा अंडा बनाया है, जिसमें परमाणु DNA को मानव त्वचा कोशिकाओं से DNA द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस काम से पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी स्थिति के लिए नए उपचार के मार्ग सामने आएंगे। कई देशों ने इस मानव पशु भ्रूण रिसर्च सेंटर पर प्रतिबंध भी लगाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और इटली शामिल है। यह हाइब्रिड देखने में गाय जैसा होता है, पर इसका चेहरा मनुष्य जैसा होता है। कभी कभी तो यह हाइब्रिड देखने में एक राक्षस सा लगता है। इस हाइब्रिड बनाने का मुख्य उद्देश्य स्टीम सेल प्राप्त करना होता है। ये स्टीम सेल पार्किंसन जैसे रोगों के इलाज में काम आती है। ये सेल हमें ज्यादातर मनुष्य भ्रूण से मिलती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें मानव भ्रूण को नष्ट करना पड़ता है, और ये सब इल्लीगल है। तो वैज्ञानिक स्टीम सेल प्राप्त करने के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। और छठे नंबर पे है मैसिव रैबिट। इस रैबिट को फ्लेमिश जाइंट रैबिट से पैदा किया गया है। इस नस्ल के रैबिट को फर और मांस के लिए बनाया गया है। इस रैबिट का वजन 25 पाउंड तक होता है और इसकी शरीर की लंबाई 3 फीट तक होती है। ये रैबिट
12 साल तक जिंदा रहता है। अगर इनको हाई फैट डाइट दी जाए तो ये जल्दी से मोटे हो जाते हैं। और सातवें नंबर पे है स्पाइडर गोट। दोस्तों, हमने अक्सर मकड़ियों के जाले से कीड़े मकोड़ों को मारते हुए या पकड़ते हुए देखा है। इस जाल को छोटी मक्खियां तोड़ नहीं पाती, पर दोस्तों तब क्या होगा अगर ये जाल स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। दोस्तों, मॉन्ट्रियल आधारित कंपनी नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी ने बकरियों के डीएनए में मकड़ी का डीएनए मिक्स करके बायोस्टील ट्रांसजेनिक बकरियां बनाई है, जिसके दूध में रिकम्बिनेट स्पाइडर सिल्क जैसा प्रोटीन मिलता है, जिससे उच्च शक्ति वाले फाइबर बनाए जाते हैं जो स्टील से 10 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये फाइबर अपनी ताकत खोए बगैर 20 गुना तक बढ़ाए जा सकते हैं या खींचा जा सकता है। ये फाइबर 330 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने गुणों को नहीं खोता है। और अंतिम और आठवें नंबर पे है वेंगिटी माउस। यह एक प्रयोगशाला माउस था जो अपनी पीठ पर उगे मानव कान की तरह दिखता था। यह कान वास्तव में कान के आकार की संरचना है, जिसमें गाय की उपस्थित कोशिकाओं को एक बायोडिग्रेडेबल कान के आकार के सांचे में डालकर उगाया जाता है। फिर उसे माउस की त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे ये कान अपने आप सांचे में बढ़ता है। यह एक तरह से मानव अंगों की खेती की शुरुआत थी। पर दोस्तों, यह प्रयोग हम मनुष्यों के लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे हमें मानव अंग मिलते थे। पर दोस्तों, उस माउस के बारे में सोचो जिसकी पीठ पर ये अंग उगाए गए थे। पर दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगा, जिन पशुओं पर ये प्रयोग किए जाते हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। भगवान ने सभी को जीवन दिया है और सभी को एक समान जीने का अधिकार है। हम मनुष्य को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये विचार? कृपया कमेंट्स करना ना भूलें। इस वीडियो को पसंद आने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।